सिवनी के राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर एक कार गड्ढे में जा गिरी, जिससे सवार चार लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सिवनी के छपारा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर गंभीर सड़क हादसा हो गया, जिसपे सवार चार लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि कार तेज रफ्तार से आ रही थी और अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में गिर गई, जिससे उस पे सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीन घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए छपारा अस्पताल लाया गया। गंभीर स्थिति होने पर इन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जिसमें दो लोगों की रास्ते में दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल एक शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज करीब 2 से 3 बजे के बीच में वरना गाड़ी में, ये कर्नाटक की है, 03-70-35 में 5 व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश जा रहे थे, जो बंजारी माता जी के पीछे जो है गाड़ी अचानक बैलेंस खत्म बिगड़ने से अंदर टकरा गई, जिसमें जो है 2 व्यक्ति मौके पर एक्सपायर हो चुके हैं और 3 व्यक्तियों को अस्पताल जिला अस्पताल भेजा गया था, जिसमें 2 ख़त्म हो चुके हैं, एक जीवित है। जीवित दुर्गेश अवस्थी हैं, जिनके भाई जो है जितेंद्र अवस्थी, वो एक्सपायर हो चुके हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।